क्वेश्चन इज द टेबल बिलो शोज द डाटा ऑन लाइकली हाइट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एज दे ग्रो इन एज ड्रॉ ग्राफ्स एंड एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑन द सेम पेपर वॉट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज ग्राफ्स कि इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन कंक्लूड कर सकते हैं सबसे पहले जीरो इयर्स के टाइम पर बॉयज़ की एज लिखी हुई है फिफ्टी थ्री सेंटीमीटर्स बॉयज की भी फिफ्टी थ्री और गर्ल्स की भी फिफ्टी थ्री फोर ईयर की एज में बॉयज़ की नाइन्टी सिक्स गर्ल्स की नाइन्टी टू आठ साल की उम्र में बॉयज़ की वन वन फोर एंड गर्ल्स की वन वन ज़ीरो ट्वेल्व ईयर्स की एज में वन ट्वेंटी नाइन एंड गर्ल्स की वन थर्टी थ्री सिक्सटीन ईयर्स की एज में वन फिफ्टी वन फिफ्टी और देन एज ऑफ गर्ल्स एज एट ट्वेंटी ईयर्स बॉयज़ की वन सेवेंटी थ्री एंड गर्ल्स की वन सिक्सटी फाइव लेट्स ट्रू अ ग्राफ जीरो इयर्स के एज में फिफ्टी थ्री थी सो so यहाँ पर पॉइंट आउट हो गया देन सिमिलरली हम सारे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने एज ले लिया वाई एक्सिस पर हमने हाइट ले ली तो इससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बॉयज और गर्ल्स की हाइट में जब हमने वो पीछे जो डाटा गिवन था इसे वन बाय वन यूज करके ग्राफ ड्रॉ किया कि जो इनिशियली बॉयज़ होते हैं वो फास्ट ग्रो करते हैं क्योंकि जो हमारे पास ये ऊपर वाला ग्राफ जा रहा है ये बॉयज़ का है और जो ये वाली लाइन है ये गर्ल्स की है कि ज़ीरो से एट ईयर्स की एज तक देखो बॉयज़ की हाइट ज़्यादा है सो जीरो से आठ एट ईयर्स की एज तक गर्ल्स फास्ट ग्रो कर बॉयज़ फास्टर ग्रो करते हैं देन गर्ल्स एंड देन गर्ल्स फास्टर ग्रो कर रही हैं देन बॉयज़ फ्रॉम एट टू सिक्सटीन ईयर्स एज देखो देन बॉयज़ की हाइट डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई सिक्सटीन ईयर्स की एज तक ट्वेल्व ईयर की एज तक एक्जैक्टली exactly गर्ल्स की हाइट ज़्यादा हो गई बट बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट एट द एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ईयर्स की एज में वो अपने मैक्सिमम हाइट रीच कर लेते हैं जहाँ पर बॉयज़ की हाइट ज़्यादा होती है देन गर्ल्स थैंक यू